सबसे बड़ी हम एकता के मुद्दों को लेकर मतदान किए हैं। एकता होनी चाहिए। जो ये सरकार कोई भी आए वो अपनी राजनीति अलग चलाए, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता में ना आए बीच में। राम मंदिर भी ज़रूरी है, चलिए राम का स्थान था उनको मंदिर दीजिए, लेकिन मंदिर की जगह लोगों के सर से छत मत लीजिए। राम ने यह नहीं कहा कि हमको पूरे अयोध्या में ही मंदिर चाहिए। हमको अगर एक बेडरूम मिलता है तो हम उसी में रहते हैं ना, कि पूरे अयोध्या में सोएंगे। तो कोई भगवान ये नहीं चाहता है कि हमको इतने आराम में रख दो और पब्लिक से सर पे छत जो रहे उसको छीन लो। तो भगवान पे उसको भी टिप्पणी पढ़ी जाए कि भगवान किस तरह की ज़िंदगी बिताए थे, ऊपर वाले किस तरह से समझाते हैं इंसानियत क्या है। एक को मतलब महल में रख दो, दूसरे को रोड पे ले आओ। मतदान किस लिए किया? विकास के लिए किया। विकास कितनी उम्र है दादा? 50। इतने वर्षों में क्या ऐसी व्यवस्थाएं जो आज मौजूदा समय में आपको मिली हैं मतदान के लिए, पहले आप संतुष्ट हैं इससे? कई बार आपने मतदान किया, क्या बताया जाए, जो कुछ हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अयोध्या का विकास जो है या राम मंदिर, इसको इसको ध्यान में रखकर के आपने काम किया है कि कुछ और काम? बस यही सब क्या राम मंदिर का निर्माण। मतदान पहले सोचा था जो वो हमने कर दिया। रही बात मतदान क्या पूछ रहे थे आप? राम मंदिर मुद्दा तो है ही, विकास और शांति व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे और हाज वो भी रहा है। और हमारा जो ये थाना क्षेत्र जहाँ खड़े हैं राम जन्मभूमि है, यहाँ पे 5 सेंटर 19 बूथ हैं। यहाँ पे पिछली बार भी हमारे 6 बूथों पर बहुत अच्छा मतदान हुआ था, 75% ज़्यादा। तो वहाँ पे वेबकास्टिंग भी हो रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, CPMF की फोर्स भी है, हमारी PSC भी है, लोकल फोर्स भी है। जो लोग मतदान केंद्र पे आ रहे हैं उनको हमारे गेट पे, जो लोग ड्यूटी पे लगे हैं उनको जो नियम है, जैसे मोबाइल लाए हैं, आईडी कार्ड नहीं लाए हैं, कितने प्रकार के आईडी कार्ड हैं अगर वो उनके पास नहीं तो उनको उसको अवगत करा रहे हैं, ये सुविधाएँ दे रहे हैं। साथ ही मतदान 7 बजे हमारा शुरू हुआ, 6 बजे तक चलेगा और नियम ये है कि 6 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। जो भी उस लोग अंदर रहेंगे उन सबको हम लोग मतदान कराएंगे।